आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यह शीट किस साइज़ की है और इसका स्क्वायर फुट क्या रेट है और उसकी टोटल पैमाइश कितनी है और टोटल कीमत कितनी है, और साथ ही आपके साथ शेयर करूंगा इसे कौन कौन से केमिकल लगे हैं, मैट कौन सी लगी है। तो आज मैं डॉलर में भी आपको स्क्वायर फुट के हिसाब से इसके प्राइस बताऊँगा। तो लिहाजा जो नू दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टार्टिंग से काम सीखना चाहते हैं कि फाइबर ग्लास शीट किस तरह बनती है, तो ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है मेरे न्यू चैनल का, ताकि जो न्यू बंदे हैं वो स्टार्ट से सीखना चाहें तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं इस मेरे चैनल पर, AF फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क पर। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें न्यू चैनल को, ताकि आप स्टार्टिंग से ये सीखना शुरू कर दें कि फाइबर ग्लास शीट बनती किस तरह है। आपको इस पर पूरी तफसील डिटेल मिलेगी और बनाते हुए एक ही वीडियो आपने देखनी है और आप इंशाल्लाह शीट बनाना सीख जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद फारूक आलम और आप देख रहे हैं 4-in-1 बिजनेस आर्ट्स। तो आज हम बात करेंगे इस शीट के बारे में कि ये शीट कितने रुपए स्क्वायर फुट पड़ती है और इसमें कौन कौन से केमिकल यूज हुए हैं, मैट कौन सी इस्तेमाल हुई है और रेजर कौन सा इस्तेमाल हुआ है, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं इसके बारे में कि इसका साइज क्या है। साइज से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज डॉलर में भी प्राइस इसके शेयर करूंगा, ताकि आपको अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आपको डॉलर को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके रेट निकाल सकते हैं। तो आते हैं पहले कि इसका साइज क्या है। इसकी लंबाई 11 फुट 6 इंच और चौड़ाई इसकी 6 फुट 6 इंच है। तो मैट इस पर यूज हुई है, इसे चॉपर्ड मैट भी कहते हैं और पाउडर मैट भी कहते हैं। ये 225 ग्राम और आप इसे ये भी कह सकते हैं 225 GSM। तो ये मैट अच्छी वाली है, ये देखें आप, वरना और मैट हो तो वो बिखर जाती है और इस्तेमाल करने में भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये आपने ज़हन रखना है। और ये शीट हमारी जो बनी है ये 3 लेयर में बनी है, ये आपने ज़हन में रखना है, ताकि आपको ज़हन में आ जाए कभी आपने ख़रीदनी है फाइबर ग्लास शीट तो फिर आप उससे डिमांड कर सके कि आप कौन सी बना रहे हैं, मैट कौन सी लगा रहे हैं और रेजन कौन सा लगा रहे हैं। तो आगे मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि इस पर रेजन कौन सा लगा है। इस शीट पर जो रेजन इस्तेमाल हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रेजन है, इसे कहते हैं पोलिस्टर रेजन, ए ग्रेड का पोलिस्टर रेजन है। इसकी शीट बनी है, इसकी शीट भी पायदार बनती है और मजबूत बनती है और झड़ती भी नहीं। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि पोलिस्टर रेजन ही आपने डिमांड करना है जिससे आप शीट बनवाएं या ख़रीदें, पूछें किस रेजन की बनी है। तो मैंने ये लिख कर रखे हैं प्राइस ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबी ना हो। तो पहले तो इसकी कमाइश की तरफ जाते हैं, कमाइश कितनी बनती है। लंबाई इसकी 11.5 फुट है और चौड़ाई 6.5 फुट और तकरीबन ये 75 फुट बनती है, 75 से कम ही बनती है, 74.75 स्क्वायर फुट बनती है। तो इसका स्क्वायर फुट का रेट है 140 रुपये और डॉलर में अगर निकालेंगे इसका तो 0.64 सेंट यानी 64 सेंट इसका स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट आएगा। और टोटल इसका अगर हिसाब करें तो पाक रुपीज में इसका बनेगा 10,463 रुपये। अगर डॉलर में जाएंगे तो तकरीबन ये $48 के करीब इसकी प्राइस बनेगी टोटल शीट की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लाइक और शेयर भी करेंगे और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और आप मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह।